अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चंद्रान गुट्टा रुकने असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना वक्फ की अराजियत और जायदादों के तहफ्फुज के लिए CBI या CID तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। रियासती असेंबली में मुख्तलिफ महकूमों के ज़ेर मुतालबात पर हुए वाहिद में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रियासती असेंबली में मुख्तलिफ महकूमों के ज़ेर मुतालबात पर हुए वाहिद में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अहदेदारों और मुलाजमीन की तालीमी काबिलियत SSC से बढ़कर नहीं है, लेकिन वो लाखों रुपये तनख्वाह उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवकाफी अराजियत और जायदादें तबाह हो रही है। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी का जायजा लेने और करोड़ रुपए की जायदाद को बचाने के लिए CBI के जरिए तहकीकात करवाई जाए। अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से असेंबली में वक्फ राजियत के लिए CBI या CID तहकीकात करवाने का मुतालबा इसलिए भी अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि जिस तेजी से वक्फ लैंड पर कब्जे की खबरें सामने आ रही है के तनज़्ज़ुम में अकबरुद्दीन अवैसी का ये मुतालबा बिल्कुल सही माना जा रहा है। आइए देखते हैं हमारे एशियन टीवी न्यूज की ये रिपोर्ट। Wakf board, sir. Sir, about the Wakf board. I want to come on Wakf board, sir. Sir, today I had a question. Then Honorable Minister Saab met me. Then Honorable Legislative Affairs Minister Saab also requested me and said, Akbar Saab, we are having a discussion on minorities. We will postpone this question and take up in this. I said, yes, we can save the time of the house and we can discuss in this demand, sir. Sir, jab main jab Wakf board ke taluk se jab bolta hoon, sir, सर आपको सुनकर हैरत होगी। सर सबसे पहले तो औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, लूट रही हैं मैं कहूंगा साहब, और वो लोग जो वहां बैठे हैं जिम्मेदार बनकर ये लोग वक्फ बोर्ड को तबाह कर रहे हैं। सर सर नाउ मैं आप स्पीकर साहब आपको सुन के हैरत होगी, मैंने पहले भी इस मसले को उठाया था और अफसोस होता है कि हम इस ऐवान में किसी मसले को उठाने के बाद भी इनको डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, चोरी जारी रहती, लूट जारी रहती है और तबाही बर्बादी भी जारी रहती है। इसकी मिसाल देखिए सर। सर देयर इज वन पर्सन बाय द नेम सैयद मोहम्मद, ही इज व्हाट सर, ही इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ वक्फ बोर्ड सर, एंड नाउ ही इज बीन प्रमोटेड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी। सर आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन फॉर द प्रमोशन, आप करिए, लेकिन व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रमोटेड, ही इज SSC सर, ही इज SSC सर, SSC पास इज द असिस्टेंट सेक्रेटरी, एंड व्हाट इज हिज सैलरी सर, अर्लियर सर हिज सैलरी वॉज 87,527, नाउ हिज सैलरी आफ्टर द प्रमोशन इज क्रॉस्ड 1 लाख सर। व्हाट इज द नॉर्म सर, व्हाट आर द नॉर्म सर फॉर मेकिंग अ सुपरिटेंडेंट सर, for the post of superintendent and assistant secretary a candidate must have the minimum qualification of graduation, he is not graduate, he is just 10th pass, he or she possesses the academic and other qualification prescribed for the post, he or she has to pass a written test, account test and interviews, service rules should be followed in work board during appointment and promotion of employees, are they doing that? No sir. So cadre strength work board, no sir. Any ability test, no sir. For the job responsibility, no sir. How can just one resolution of a work board give a promotion, sir? आप बताइए सर, कैसी तबाही बर्बादी है सर? Sir, if I have to go, ये और ये मेरी नहीं है सर. Sir, earlier this report was given in the House Committee for the Minority Welfare, sir. और उसमें आप देखिए सर. And there is one more. Syed Akhil Hassan, SSC. He is a superintendent. Again, he is also promoted to assistant secretary. खाजी सैयद नूरुल्ला सर, ही इज ऑल्सो मेड असिस्टेंट सेक्रेटरी, वॉट इज हिज क्वालिफिकेशन, ही इज जस्ट इंटरमीडिएट पास सर, ही इज ओनली इंटरमीडिएट पास सर। देर इज वन मोर, मुख्तार हुसैन, ही इज ऑल्सो इंटरमीडिएट, ही इज बिकम सुपरिटेंडेंट सर। सर एंड अगेन रहीम फारूकी इंटर, मोहम्मद मजहरुद्दीन SSC, सैयद शकील हसन SSC, मोहम्मद फयाज SSC जूनियर असिस्टेंट सर, एंड वॉट आर द सैलरी सर, 87,000, 79,000, 71,000, 73,000, assistant secretaries, all SSC, sir. And sir, there is one Mr. Akhil. There is one by the name Mr. Akhil, who is office subordinate, sir. What is his qualification, sir? His third class pass, sir. Third class, sir. And what is his salary, sir?
सर हिज सैलरी इज 54,033 सर. सर वगबोट डजंट हैव एनी ड्राइवर सर. द कार सर सॉरी एक भी गाड़ी नहीं है, दो ड्राइवर्स है सर, दो ड्राइवर्स. ड्राइवर की तनख्वाह क्या है सर? 51,988. टू ड्राइवर्स सर. आप बताइए सर ये क्या है? ये अरब स्पीकर सर, व्हाट इज दिस? मेरा दिल जलता है साहब. आई हैड ऑफिस बॉय हु टाइप्स इन माई ऑफिस माई स्पीचेस, आई डिक्टेट हिम. तो ही वॉज टाइपिंग दिस एंड ही स्टॉप फॉर अ सेकंड एंड ही सेड, साहब आप इतने पैसे नहीं दे रहे मेरे को, वर्क बोर्ड में नौकरी तो भी लगा दो साहब. क्या है सर ये? यू दिस इज वॉट माई हार्ट बर्न सर. दिल को जो तकलीफ होती है ना साहब, इस वास्ते होती है कि किस तरीके से लूट रहे हैं सर. किराए नहीं आते साहब, बराबर कलेक्ट नहीं होते. 50 बरस से 200 रुपए का किराएदार है सर. मैं आपके जरिए हुकूमत से डिमांड करूंगा सर, या तो सीबीआई को दे दीजिए सर इंक्वायरी के लिए, या सीआईडी के जरिए करिए, या एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के जरिए वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी करना जरूरी है सर. आई डिमांड दिस सर. दिस इज वेरी नेसेसरी सर. सो मच ऑफ एकर्स ऑफ लैंड्स आर जस्ट देयर सर ऑक्यूपाइंग, जिसको चाहे ले ले रहे हैं. हम लड़ रहे हैं सर हुसैन शाह वली की दरगाह की जमीन के लिए, टीआरएस और मैं भी हाईकोर्ट में जाकर हम लड़े सर. लड़े ऑर्डर है, अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसको कोई नहीं देखते हैं साहब. आज आप बताइए सर, दिल को तकलीफ होती है सर. इतने वक्त प्रॉपर्टी सर, आपके निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बड़े पहाड़ की दरगाह सर, इतनी बड़ी बड़े पहाड़ की दरगाह, उसका गल्ला दे देते हैं साहब किसको भी, जिसको चाहे ले लेता है, पैसे उठाता है लेके चले जाता है सर. जहांगीरपुरा की दरगाह गल्ला कोई भी ले लिया, बस कमाया चले गया साहब. कैसे साहब ये बताइए सर. निजामाबाद में मेन एरिया में सराय है सर, आपको मालूम होगा, बाजार में, वो भी आज कब्जे में है, उसको खाली नहीं कराते सर. नाउ आई वुड से व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल सर, कि गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है सर. एससी एसटी बीसी के जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल्स है, दे आर रनिंग ऑन देयर ओन लैंड सर. माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर रनिंग इन रेंटेड बिल्डिंग्स सर. अर्लियर ऑल्सो हैव रिक्वेस्टेड सर गवर्नमेंट शुड अलॉट लैंड. इफ देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट लैंड सर, वक्फ लैंड कैन बी अलॉटेड फॉर दिस पर्पस. एक आदमी के फायदे के बजाय पूरी कम्युनिटी का फायदा हो सकता है साहब. औकाफी जमीन बच सकती है, लेकिन ये लोग ये काम नहीं करते हैं सर. इसलिए मैं कह रहा हूं सर, या तो वक्फ बोर्ड को खत्म कर दीजिए सर, या तो ईमानदार लोगों को लाकर बिठाइए. आज वक्त आया है कि वक्फ बोर्ड को ये बेईमान लोगों से हमको साफ करना होगा सर. बार बार हम चीखते हैं चिल्लाते हैं, कितनी औकाफी जायदादें हैं सर. आई हैव द लिस्ट सर. इफ आई हैव टू गो इन द लिस्ट सर, दिस हाउस विल बी सरप्राइज एंड शॉक्ड टू सी द एक्सटेंट ऑफ द वक्फ लैंड सर. बड़े पहाड़ की दरगाह मैंने कहा, बाबा शरफुद्दीन साहब की, चेंगी चिल्ला की, आलूर के पास 1,800 एकड़, चेंगी चिल्ला में 700 एकड़, मीर मोमिन चुक दरगाह की उसकी 500 एकड़, या हाईटेक सिटी में साहब वहां पे जो छोटा एक चार मीनार बोलते हैं वहां पर सर, आलमगिरी मस्जिद, कितने सर, देर आर सो मेनी लैंड. और फिर हो रहा क्या सर, वेर आर दोज लैंड गोइंग? कोई एक आदमी अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है सर. मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करिए. वक्फ प्रॉपर्टीज को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करिए, बल्कि ग्रांट इन एड के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करिए. सर दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डिमांडिंग दैट अ वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड सर, जो ये वक्फ के प्रॉपर्टीज को डेवलप कर सके सर. सर इसमें देखिए, आई जस्ट गॉट नाउ सर, आशुरखाना नाले मुबारक सर, 3,000 square yards. At Khairtabad sir, 500 square yards sir. फिर यहां शादान कॉलेज के सामने वन मोर लैंड सर. नारायणगुड़ा ऑपोजिट रेड्डी हॉस्टल सर, 850 square yards. इसमें साहब हाईटेक सिटी में खानामेट विलेज में 1.15 guntas of वक्फ लैंड सर. और उसमें सर सुल्तान बाजार में 700 square yards. एसआर नगर में अमीर पेट में सर 4 acres of land. एबिट्स में 2,000 square yards of land. अगेन खैरताबाद 6,000 square yards ऑफ लैंड. खैरताबाद अगेन 6 acres ऑफ लैंड सर, 6 acres सर. ये शाम थिएटर, ये दूसरे थिएटर जो पीछे है साहब, वो भी एक वक्फ का है साहब. पंजागुट्टा सर 7 acres ऑफ लैंड. मस्जिद खंबर अली सर एनक्रोच सर. टैंगमेंड में 2 acres.
Viceroy Hotel, sir, this is also Waqf land, sir. Viceroy Hotel, that is also Waqf land, sir. Sir, Attapur, sir, Hazrat Mir Mehmood Sahab ki pahadi, sir. Ye Waqf land, that is also encroached. And there is one newspaper which always criticizes MIM, always criticizes the TRS, always criticizes KCR Sahab, always criticizes Akbar Owaisi, always criticizes Asad Owaisi. What are they doing? And you know, sir, the residence of that Urdu paper's editor is also Waqf land. And that Urdu paper's office, that is also Waqf land. And they criticize. अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरों पर तनकीद करते हैं. सर, सर नरसापुर मेदक में सर 100 acres ऑफ लैंड, सर 100 acres ऑफ लैंड, सर. सर मामेटपल्ली रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट 50 acres, सर. सर एंड देन शेखपेट मेन रोड, सर, वहां पर भी सर 2000 square yards, सर. वक्फ बोर्ड है सर महेश्वरम, सर 428 acres, सर 428 acres महेश्वरम, सर. दरगाह हजरत महमूद बियाबानी, सर, आलूर 1050 acres, सर. सर शाहराजू हुसैनी कत्ताल 580 acres, सर. ओआरसीज दिए कैंसिल करवाए, सर. जामे निजामिया रायदुर 500 acres. दरगाह हुसैन शाह वली, सर, 1900 acres. दरगाह हुसैन शाह वली गुंटापल्ली मेदक डिस्ट्रिक्ट विलेज 1400. दरगाह हुसैन शाह वली रायदुर सिरिंगमपल्ली मंडल 38 acres. जामिया मॉस ग्रेवियर नरसापुर मेदक डिस्ट्रिक्ट 100 acres. जामिया बिग मॉस्टर, उसके बाद में खुतुब शाही मस्जिद वक्फ लैंड चोटुप्पल नलगुंडा 447 acres. खलील सराय निजामाबाद, सराय सर, खलील सराय निजामाबाद नियर रेलवे स्टेशन 7 acres, सर, 7 acres. सर दरगाह हजरत सालारे औलिया हफीज पे श्रीलंगमपल्ली 140 acres. मस्जिद खंबर अली, सर, 7 acres पंजागुट्टा, सर. सर दरगाह जमालुद्दीन शाह, सर, अंबरपेट, सर, वो भी नहीं लेते हैं, सर, वहां पे स्कूल चल रहा है. माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ले ले, सर. खुतुब शाही मॉस्क एंड ग्रेवियार्ड, सर. दरगाह हजरत राजेंद्र शाह खान साहब गच्ची बोली 1.18 acres, सर. मीर मोमिन चुप बोडुप्पल 800 acres, सर. फकीर मुल्ला दरगाह वक्फ लैंड कुरमागोड़ा, सर, 200 acres. मस्जिद इब्राहिम सनत नगर 11 acres, सर. मस्जिद चोलपल्ली मोइनाबाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट 188 acres, सर. आलमगिरी मॉस गुंटाला बेगमपेट, सर, श्रीलंगम, सर. सर ये आलमगिरी मॉस, सर, ये गुट्टाला बेगमपेट साहब शाली वाहना बिल्डर्स, दे सेड इट इज देयर लैंड. मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. वक्फ बोर्ड सेड इट इज अवर लैंड, सर. प्राइवेट पार्टी सेड इट इज अवर लैंड, सर. सुप्रीम कोर्ट सेड नो, इट इज नॉट शाली वाहना'स लैंड, इट इज नॉट प्राइवेट पर्सन्स लैंड. दे हैव टू गो टू द वक्फ ट्रिब्यूनल एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड के वक्फ बोर्ड शुड इश्यू अ गजिट, सर. Till the case was going on, there was no encroachment, sir. Today you go and see, sir, behind that high-tech city, that Gachibowli police station, sir, entire land has been, sir, illegally encroached. They've erected sheds, they've put the car shops over there, sir. Pura chale gaya zameen. Kaun zimmedar hai, sir, iske? Sir, dil jalta hai, tadapte hai, ki hamare aba wajdad ne aukaf ye waqf ki thi zameen, isliye के कम्युनिटी का भलाई हो, कम्युनिटी के विडोज की मदद हो, कम्युनिटी के ऑर्फने स्टूडेंट्स की मदद हो, कम्युनिटी एजुकेशन में अपलिफ्ट हो सके, कम्युनिटी में जो बेरोजगारी है दूर हो सके, स्किल डेवलपमेंट हो. लेकिन आज क्या हो रहा है, सर? कब्जे हो रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि इसका नोट ले, सर. मैं, सर, आई वुड से द फर्स्ट टाइम आई गॉट इलेक्टेड वॉज इन 99, सर. फ्रॉम 99 टिल टुडे आई एम स्क्रीमिंग 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 एंड शाउटिंग, सर. My hair has started growing white. I'm growing old. But you know, sir, what is happening is the work properties are not being getting protected, sir. We need to wake up, sir. Sir, Ashur Khana Imam Khasim, 552 acres, sir. Chengi Charla, sir. Sir, Chengi Charla, where we had a slaughterhouse, sir. There, 2,500 acres, sir. 2,500 acres, sir. You imagine, sir. Why, sir? If the work properties are protected, we need no assistance for any government, sir. These work properties can fulfill the need, the requirement of the minority Muslim community, sir. Kya hai, sahab, bataiye? 2,500 acres, sir. Waqf land, Taj apartments, sir. Khairtabad, 60 flats construct karke bej bhi diye, sir. Sayed Nagar, Sayed Pali Himayat, Himayat Nagar Mandal, sir. 172 acres, sir. 172 acres. Masjid-e-Almas, Nalgunda, sir. 421 acres of land, sir.
421 एकर्स ऑफ लैंड, आज वो भी कब्जे हो रहे हैं सर। सर शांति नगर हैदराबाद वेटरनरी ऑफिस, ये जो है ना साहब वेटरनरी का दवाखाना सेंट एन स्कूल के सामने, दैट इज ऑल्सो वर्क सर। सर देर आर मेहंदीपट्टनम क्रॉस रोड रैतू बाजार इज देर, दैट इज ऑल्सो वर्क सर। मस्जिद मोहम्मदिया मूसाराम बाग टीवी टावर 4.6 एकर, सो देर इज अ लिस्ट सर। एंड सर यू वुड बी सरप्राइज सर, सर माय एंसेस्टर्स माय फोर फादर्स सर दे हैव गिवन लैंड एंड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स इन मक्का ऑल्सो सर, इन मदीना ऑल्सो, इन सऊदी अरेबिया सर। रुबाते हुसैन भी, रुबाते दिलावर निसा बेगम, रुबाते अफजलुद्दौला, रुबाते बशीरुद्दौला, हाउस ऑफ अल्लाह रखा बेगम, हाउस ऑफ नर्स नीलाराम बेगम, दीज आर द प्रॉपर्टीज इन मक्का सर। मक्का जहां अल्लाह का घर है, हम हज के लिए उमरे के लिए जाते हैं, सब उसके सामने है। ये कहां है, कौन इसका फायदा उठा रहा है? मदीना सर वी हैव अ तवातिया सर, रुबाते हुसैन भी, रुबाते अफजलुद्दौला, हाउस ऑफ मेहताब बेग, हाउस ऑफ खाजा इस्माइल, ये सब है सब प्रॉपर्टीज। आज निजामे दक्कन बोलते हैं साहब कि जो उनके रुबात हैं वो उनके रुबात है। सर आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से साहब, निजामे दक्कन के भी जो रुबात हैं मदीने में या मक्का में, वो हैदराबाद स्टेट के पैसों से बनाए गए रुबात हैं, वो निजाम के जेब से बनाए गए पैसों के नहीं है सर। व्हाई नॉट द स्टेट ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट टेक ओवर दीज प्रॉपर्टीज सर, क्यों नहीं लेते सर? सर मैं आज बड़ी तड़प के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ, बड़े कर्ब के साथ कह रहा हूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाइए सर, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाना होगा। मैं फिर से डिमांड करूंगा सर, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के जरिए वक्फ बोर्ड में एक कमीशन बिठा के तहकीकात करनी चाहिए सर, कितने एनओसीज दिए हैं, कितने लोगों को किराए पे दिए हैं, कितने तौलियत बनाए हैं, कितनों को मुतवल्ली बनाए हैं, क्या हुआ, यह करना चाहिए सर या नहीं? तो सीबीआई को दे दीजिए सर, या सीआईडी के जरिए तहकीकात करवाई। आज पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह, वो बर्बाद हो रहे हैं सर। सर मैन आई एम सेइंग अबाउट